ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी और शिवसेना अलग अलग जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कुछ लोग डर से एनसीपी को छोड़कर बीजेपी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी अपने अंदर ही मचे घमासान से नहीं उबर पा रही है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इन दोनों पार्टियों में भगदड़ मची हुई है और अब तक कई बड़े नेता कांग्रेस एनसीपी छोड़कर बीजेपी में या शिवसेना में जा चुके हैं। बुधवार को राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता हर्षवर्धन पाटिल भी बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने जमकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। हालांकि इस भगदड़ की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अटकलें हैं कि कांग्रेस एनसीपी के ज़्यादातर नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले ही हार का डर सता रही है। ऐसे में सभी मुख्य धारा एनसीपी के ज़्यादातर नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले ही हार का डर सता रही है। ऐसे में वे सभी मुख्य धारा में बने रहने के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी शिवसेना की शरण में जा रहे हैं। सोमवार को शिवसेना में शामिल विधायक अवधूत तटकरे ने कहा, मैं मुख्य धारा की राजनीति में बना रहना चाहता हूं। रायगढ़ जिले के विधायक तटकरे के बाद उनके चाचा पर भी कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने की। एनसीपी विधायक दिलीप भी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा गणेश नाइक, पूर्व मंत्री मधुकर पीचड़, वैभव पीचड़, चित्रा वाघ, शिवेंद्र राजे भोसले, रणजीत सिंह, मोहिते पाटिल, धनंजय महाड़िक राणा, जगजीत सिंह पाटिल, पूर्व मंत्री भास्कर जाधव, संजीव नाइक, इनके अलावा कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोलापुर में एनसीपी और कांग्रेस में शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर कोई नहीं बचेगा। और इसी के साथ समाज नीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।